मौजू के साथ मैं अब्दुल कादिर नाज़िम। जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये ईरानी मार्केट है, यहाँ पूरी ईरानी मार्केट की पूरी मार्केट है, जहाँ पे जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर लोग आते हैं यहाँ पे सामान खरीद। यहाँ पे जो सामान मिलता है वो जो है बाहर से आता है, यहाँ पे स्मगल करके हुआ सामान यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे इस वक्त मौजूद है, यहाँ पे अंदर चल के दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग बात नहीं कर रहे। हमने पूरी मार्केट में कोशिश की लोग बात करें, लेकिन लोग बात नहीं कर रहे, क्योंकि लोग यहाँ पे शाये हैं, पता नहीं क्या है, लेकिन लोग बात नहीं कर रहे। हम जो है सिर्फ और सिर्फ ईरानी मार्केट को आपको विजिट बाइक पर चल के करके दिखाते हैं। इस वक्त न्यूज़ 360 के प्रोग्राम के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं ईरानी मार्केट में। तो ये पूरी ईरानी मार्केट है जिस पे हम खड़े हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ईरानी मार्केट है जिस पे हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस वक्त हम ईरानी मार्केट में घूमें, ये टोटल जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये टोटल ईरानी मार्केट की हैं। तो ये जो ईरान से आई हुई चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर सस्ता सामान बेच रहे हैं, क्योंकि ये बाहर से स्मगल किया हुआ लाते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं उधर ही जहाँ पे ईरानी मार्केट पूरी है। तो अब हम आपको पीछे से पूरा दिखाते हैं, जहाँ से हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ईरानी जो कोटा से बसें आती हैं वो यहाँ पे लेके आते हैं सामान, यहाँ से पीछे पूरा ईरानी सामान होता है। इस वक्त नाज़रीन हम बाइक पे चलें, क्योंकि यहाँ पे लोग इंटरव्यू नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि हम इंटरव्यू नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो नॉन कस्टम है। तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये लोग सारे अभी भी खरीदने आए हुए हैं। तो ये कोटा की बसें खड़ी हुई हैं, तो मैं आपको आगे चल के कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये पूरी मार्केट है, ईरानी मार्केट है। तो यहाँ पे मैं आपको ईरानी मार्केट का विज़िट करा रहा हूँ, तो दिखा रहा हूँ कि ईरानी मार्केट में ये कोटा से सामान आता है, जो ईरान से जो सामान आता है वो कोटा से सीधा यहाँ पर आता है। तो ये ईरानी मार्केट जो है वो बल्दिया से आगे है। तो ये है वो ईरानी मार्केट, यहाँ पर मैं सब कुछ विज़िट आपको पूरा ईरानी मार्केट घुमा भी रहा हूँ। तो ये अंदर से आप देख सकते हैं ये पूरी ईरानी मार्केट है जिस पर हम खड़े हुए हैं। ये है पूरा सामान जिस पर हम खड़े हुए हैं। बसों में किस तरीके से ये आता है तो ये भी आप देख सकते हैं। अच्छा ये बताएं, ये चॉकलेट कितना सस्ता यहाँ पे मिल रहा है, ये ईरानी मार्केट है जहाँ पे दूसरी जो निस्बत में जो दूसरी मार्केट है 10 वाला चॉकलेट 5 वाला 10 वाला वैसे ये जो आम जो चॉकलेट है वो कितने का मिल रहा है? 10 वाला वो 260 का मिल रहा है, 270 का मिल रहा है और 50 का भी मिल रहा है। अच्छा यहाँ पे तेल जो है हम देख रहे हैं कि ईरानी यहाँ पे तेल है, ये कहाँ से लाया जाता है और तेल यहाँ पे कितना मयारी मिलता है? उसका तो पता नहीं है मेरे को। अच्छा बाकी ये चॉकलेट जो है ये भी बाहर से आता है? जी हाँ। अच्छा तकरीबन ये माल तकरीबन बाहर से ही आता है? हाँ ठीक है। लेकिन ये सस्ता होता है यहाँ पे सुना है? जी सस्ता है। ये कहाँ से आता है और ये कितना मयारी होता है? ये ग्वादर सर, ये दुर्बत पे आते हैं, वहाँ से फिर आता है ये यहाँ पे। अच्छा आप यहाँ रोजाना होते हैं, कितने लोग यहाँ पे खरीदने आते हैं? सर बेहिसाब बंदे आते हैं। अच्छा हाँ, कोई औरंगी टोन से, औरंगी से, सोराबगोट से। अच्छा ये होलसेल मार्केट है, क्या मसला है? होलसेल मार्केट है, होलसेल मार्केट है। अच्छा यहाँ पे कम दामों में मिलता है जी, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है, मतलब वहाँ से माल आता है ना, ये सस्ता यहाँ बिकता है। मतलब कुछ वो अपने लिए बचाते हैं, जो लेके जाते हैं वो भी मतलब वही दुकानों में होलसेल हिसाब में बेचते हैं, कोई डब्बों के हिसाब में बेचते हैं, कोई वही बच्चों वाले हिसाब में केक चॉकलेट वगैरह बेचते हैं। अच्छा जी, मतलब सस्ता मिलता है। तेल भी मतलब पाकिस्तानी तेल से 30-40 रुपए सस्ता है किलो पे। अच्छा। इसी वजह से बंदे ज़्यादा भीड़ वगैरह है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये सस्ता है, 30-40 रुपए किलो पे सस्ता है। किसी का इसमें पैदा पानी है, हर किसी का मतलब इसमें रोजगार लगाया हुआ है, गवर्नमेंट का भी लगाया हुआ है, हमारे रिश्ते वालों का भी लगाया, दुकान वाले का भी लगाया हुआ है, हर किसी का मतलब इसमें बच रहा है कुछ, इसीलिए यह मार्केट में रश लगा हुआ है।